हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत सी एग्जाम्स के अंदर जो स्किल टेस्ट होता है उसके अंदर पूछा जाता है कि जो हमारे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके सिरे किस तरीके से चेक करते हैं और किस तरीके से उसके कनेक्शन करते हैं, या फिर हमारे को जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उससे भी पूछ सकते हैं कि इसके कनेक्शन जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसमें किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जो कनेक्शन है वो हमारे पास ग्रुप में होना आवश्यक है, क्योंकि अगर जब तक वही हमारे को पता नहीं होंगे तब तक हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर इसके कनेक्शन नहीं कर सकते। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसके सिरे किस तरीके से पहचानते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की। तो फ्रेंड्स, इसको जो सिरे जाँचने की जो विधियाँ होती है वो दो तीन तरह की होती है। जैसे कि वोल्टमीटर से भी हम इसके सिरे जांच सकते हैं, दूसरा हमारे पास टेस्ट टेप विधि होती है जिससे भी हम जांच कर सकते हैं, और दूसरा तीसरी ये है कि इसमें हम वाइंडिंग के जो सिरे हैं उनके कनेक्शन करके डायरेक्ट सप्लाई देके भी स्पार्किंग विधि से इसके सिरे जांच सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सिर्फ स्पार्किंग विधि से कि इसके सिरे किस तरीके से जांचे जाते हैं। तो स्पार्किंग विधि के लिए हम एक बार पहले इनके ग्रुप बना लेते हैं, जिसके लिए हमने एक टेस्ट टेप तैयार कर लिया है जिससे हम तीन वाइंडिंग के दो दो सिरे हम निकाल के उनके गांठ लगा के उनको साइड में कर लेंगे। तो चलो देखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने टेस्ट लैंप तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले एक जो वाइंडिंग है उस किसी भी एक तार पे हम यहाँ पे टेस्ट लैंप का एक सिरा फिक्स कर लेंगे और दूसरे सिरे को किसी भी हर एक सिरे पे लगा के देखेंगे जहाँ पे हमारा लैंप ग्लो करता है, मतलब उसी तार का दूसरा सिरा हमारे पास उस तरफ है। तो हमने एक सिरा यहाँ फिक्स कर लिया और दूसरे पर हम लगा लगा के चेक करते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड, इस पर हमारी जो है लैंप ग्लो कर रहा है, मतलब एक वाइंडिंग के दो सिरे ये हैं। अब इन दोनों सिरों को हम लेके उन यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम बाकी एक लूप को तो हमने साइड में कर दिया, बाकी हमारे पास चार सिरे और बचे हैं जिसको भी हम इसी प्रकार से जांच लेंगे। तो किसी एक तार पे फिक्स करेंगे और दूसरे पे सिरों पे लगा लगा के हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देख सकते हो इस पे हमारा लैंप ग्लो कर रहा है, मतलब दूसरी वाइंडिंग का सिरा हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने तीन वाइंडिंग के तीन सिरे हैं वो यहाँ पे बाहर निकाल लिए हैं, एक वाइंडिंग की कॉइल, दूसरी वाइंडिंग की और तीसरी वाइंडिंग की। आप जानते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो मतलब इसके अंदर तीन कॉइल्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जो कि 120 डिग्री के एंगल पर यहाँ पे इसके अंदर सेट है। तो अब यहाँ पर हमने इनके जो वाइंडिंग के सिरे हैं वो तो हमने बाहर निकाल लिए हैं, अब इनके जो है सिरे वन और टू के हिसाब से हम तीनों वाइंडिंगों के सिरे वो जाँचेंगे कि वो किस तरीके से होते हैं, उनके हिसाब से हम यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर्स के अंदर कनेक्शन करते हैं। तो उसी प्रकार इसके सिरों पे भी हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो वो देख लेते हैं पहले इसके सिरे जाँच कर किस तरीके से इसके सिरे और जाँचे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कोई भी दो वाइंडिंग ले लेंगे, दो वाइंडिंग के एक एक सिरे यहाँ पर हम दोनों वाइंडिंगों के एक एक सिरे लेके हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। तीसरी वाइंडिंग के सिरे को हमें एक बार पीछे कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये दो वाइंडिंग है हमारे पास, दोनों वाइंडिंगों के एक एक सिरे लेके हमने कॉमन कर दिए, बाकी हमारे पास बच गए दो सिरे। अब इन दोनों सिरों के अंदर हम हमारे टेस्ट लैंप से भी यहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं या डायरेक्ट सप्लाई भी हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो 440 वोल्टेज पे रन करती है, मतलब प्रत्येक वाइंडिंग यहाँ पे 230 वोल्टेज की होती है। तो मतलब इसमें डायरेक्ट सप्लाई भी देंगे तो हमारी वाइंडिंग पे कोई खतरा नहीं है। अब इन पर जब सप्लाई देंगे तो हमारी बची हुई जो पीछे तीसरी वाइंडिंग है उसमें हम स्पार्किंग करेंगे। अगर स्पार्किंग होती है तो हमारे जोड़े गए जो सिरे हैं जिसको हमने कॉमन किया है वो सिरे हमारे पास हो जाएंगे असमान। अगर हमारी तीसरी वाइंडिंग में स्पार्किंग नहीं होती तो हमारे जोड़े गए जो सिरे हैं वो हो जाएंगे यहाँ पे समान। तो जब समान समान सिरे हो जाएंगे तो हम इन पे भी एक एक गांठ और लगा देंगे, जिससे कि हमारे को यहाँ पे पता रहेगा कनेक्शन करते टाइम कि ये वन सिरा है जिसमें हमने गांठ लगाई है, और जो बच गया दूसरा सिरा जिसमें हमने गांठ नहीं लगाई वो हमारे पास जो दूसरा सिरा यहाँ पे है जिसका कनेक्शन हम हमारे स्टार्टर में करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया सिरा, इस दोनों के अंदर हम हमारे टेस्ट लैंप की सहायता से यहाँ पे जो है सप्लाई देंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, जो एक वाइंडिंग के और दूसरे वाइंडिंग के एक एक सिरे थे, एक इस वाइंडिंग के जो एक एक सिरे हैं वो तो मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिए हैं, बाकी दोनों सिरों के अंदर यहाँ पे मैंने टेस्ट लैंप से सप्लाई दे दी है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ और जो तीसरी वाइंडिंग है उसके सिरों पे स्पार्किंग करा के देखूंगा। तो जब सबसे पहले मैंने सप्लाई ऑन की, अब मैं इस पर स्पार्किंग कराता हूँ। अब देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर हमारे टर्मिनल्स पे कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रही है, मतलब हमने जो यहाँ पे ये कॉमन सिरे करे हैं वो यह समान सिरे हैं, यानी कि हम उसको वन वन सिरा मान सकते हैं। तो एक बार आपको मैं ये सिरे पलट के भी दिखा देता हूँ और फिर तीसरी वाइंडिंग पे स्पार्किंग करा के भी आपको दिखा देता हूँ कि हमारे जोड़े गए सिरे हैं वो असमान है। तो इस प्रकार से स्पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, पहले मैंने जो कनेक्शन किए थे तो उसमें समान सिरे थे, तो मैंने वहाँ पे गांठ लगा दी थी, मैंने बाद में गांठ लगा दी। अब मैंने यहाँ पे असमान सिरे जोड़ लिए, मतलब हमारी जो ये वाली वाइंडिंग है इसका जो
बिना गांठ वाले जिसमें गांठ लग रही है उसको तो अलग कर दिया, मतलब डायरेक्ट सप्लाई दे दी, और दूसरा जो सिरा था उसको जोड़ दिया हमारे दूसरी वाइंडिंग के जिसमें गांठ लग रही है उस सिरे से। अब इसमें वापस सप्लाई देते हैं हम, और तीसरी जो वाइंडिंग है उस पर स्पार्किंग करा के आपको दिखाते हैं। तो जैसे मैंने सप्लाई दी, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हल्की सी स्पार्किंग देखने को मिल रही है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्पार्किंग देखने को मिल रही है, मतलब इससे पता चल रहा है कि हमने जो सिरे यहाँ पे कॉमन किए हैं वो असमान सिरे हैं। यहाँ पे जो हमने ये वाले सिरे जो है कॉमन किए हैं वो ये असमान सिरे हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड, तीन वाइंडिंग हमारे पास हो गई, तीनों वाइंडिंग के U1, V1 और W1 के सिरे जो हैं जिन पे हमने गांठ लगा दी है। देख सकते हो एक वाइंडिंग पे ये जो है एक तार, इस पे गांठ लगा दी जो कि U1, ये V1, ये W1 इस तरीके से हो गया। जिस पे गांठ नहीं लग रही वो 2-2 सिरे हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा इसके अंदर जो हम कनेक्शन करेंगे वो कनेक्शन इसमें हो जाएंगे, क्योंकि हमारे स्टार और डेल्टा के अंदर जब मोटर चलेगी तो उस अकॉर्डिंग इसमें कनेक्शन हो जाएंगे। ये विधि थी हमारी स्पार्किंग विधि, जिससे कि सिरे जान सकते हैं। इसमें हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम वोल्ट मीटर की सहायता से इसके जो कनेक्शन है उसके सिरे जाँचते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।